नमस्कार, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल मिस ऑटो लॉग्स में। एंड मैं स्वाति बात कर रही हूँ। आई होप आप सभी खुश होंगे एंड हैप्पी होंगे एंड हेल्दी होंगे। सबसे पहले कि दिवाली पास में आने वाली है, तो आई होप आपकी तैयारियाँ शुरू हो चुकी होंगी और जो नए लॉन्चेस हैं उनकी तरफ भी आपका ध्यान जो है अट्रैक्ट हो रहा होगा बिकॉज ऑफ द धनतेरस। एंड उसी में से ही एक जो है अभी न्यूली लॉन्च बाइक हुई है, सबसे मोस्ट लव्ड जो इंडिया का ब्रांड है उसी की, KTM RC 200। आज थोड़ा टाइम हो गया है इसको लॉन्च हुए, बट आज क्योंकि काफ़ी लोगों का मेरे पास में मैसेज आ रहा था कि इसका हम कब इसका रिव्यू करेंगे या इसके वॉक अराउंड या इसके बारे में कुछ बताने का, तो मैं ट्राई कर रही हूँ कि आपको इसके बारे में जो भी इस वॉक अराउंड में जो भी मैं बता सकूँ आपको हेल्पफुल रहे टू टेक द डिसीजन कि आपको यू शुड गो फॉर दिस बाइक फॉर दिस धनतेरस और आपको वेट करना चाहिए। तो इस बारे में हम बात करेंगे। नो डाउट इंडिया में जो है जब मोस्टली काफ़ी सारी बाइक्स है, R15 है, आप जो है BMW 310R है, इस रेंज में पल्सर है, लेकिन जब KTM की बारी आती है तो पीपल आर क्रेजी अबाउट लुक्स, डिज़ाइन, स्पीड। तो वो आपको KTM बहुत टाइम से दे रहा है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने आज देना स्टार्ट किया है। काफ़ी कंपनीज है जो अब स्टार्ट कर रही है जो चीज़ें देना, KTM पहले से ही बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड था। एंड आपको जो चीज़ें अभी जो न्यू कंपनीज है वो देखने को मिल रही है वो आप पहले देख चुके हैं इसमें ऑलरेडी। तो ये सेकेंड जनरेशन है KTM RC 200 का, एंड इसके अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलेगा उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके कलर ऑप्शंस की। तो आपको कलर ऑप्शन इसके अंदर दो मिलेगा, एक आपको मिलेगा इसके अंदर ब्लैक एंड ऑरेंज का कॉम्बो और एक मिलेगा आपको ये सिल्वर एंड ऑरेंज का कॉम्बो। तो ये दो कलर ऑप्शन आपको इसके अंदर मिलने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं इसके इंजन की। तो इंजन जो है वो आपको इसके अंदर लिक्विड कूल्ड 4-स्ट्रोक 200cc का इंजन मिलेगा विथ 6-स्पीड ट्रांसमिशन के साथ। एंड जो पावर आपको मिलने वाली है वो 25 BHP के साथ में 19.5 NM टॉर्क मिलने वाला है। तो पावर के मामले में KTM ने कभी निराश नहीं किया, तो आपको वहाँ पे कोई भी इशू नहीं आने वाला है। जो वेट है वो 160 kg है, और कहा जा रहा है कि जो पहली वाली KTM है जो RC 200 है उससे इसको लाइट वेट कर दिया गया है, जिससे थोड़ा सा और आपको हल्की ये फील होगी अगर आप रेगुलर वाली चला रहे हैं तो। एंड इसके अंदर आपको स्ट्रीट रैलिस जो फ्रेम है वो इंट्रोड्यूस की गई है, मैं आपको उसको सिर्फ पास से दिखाना चाहती हूँ एक्चुअली ये फ्रेम क्या है और ये फ्रेम का जो काम है। फ्रेम ने इसको लाइट वेट करने में भी हेल्प की है, प्लस जो एक पूरी प्रॉपर चेसी थी अब दो पार्ट्स में है, अगर पीछे से बेंट होती है या पीछे से इसका एक्सीडेंट होता है तो पूरी चेसी डैमेज नहीं होगी, दो पार्ट में है तो पूरी एक जो फ्रेम है बस वही डैमेज होगी। तो ये पर्पस के साथ में ये वाली जो फ्रेम है इसे इंट्रोड्यूस किया गया है। अब आते हैं इसके व्हील बेस पर। तो व्हील बेस आपको 1341 mm का मिलेगा, ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी इंक्रीज़ कर दिया गया है 158 mm का आपको इसके अंदर ग्राउंड क्लियरेंस मिलने वाला है। मतलब आप वर्स्ट सिचुएशन में भी अगर चला रहे हैं, वर्स्ट रोड्स पे भी चला रहे हैं, तो आपको काफ़ी सपोर्ट मिलने वाला है। नाउ कम टू द जो हाइट है, सीट हाइट मैं आपको एक बार बैठ कर दिखा देती हूँ। सीट हाइट जो है वो 824 mm की है, एंड ये जो है आप देख सकते हैं मेरे पैर थोड़ा सा मेरे शूज़ में हील है तो मतलब पूरे टच हो रहे हैं। अगर आपकी हाइट 5'10" तक है तो आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, आराम से आप बैठ सकते हैं। जो सीट हाइट है वो आपको इसके अंदर मिलने वाली है। टैंक की बात कर लेते हैं। जो पहले से टैंक जो था वो बड़ा कंप्लेन आती थी कि पहले वाली के अंदर जो टैंक है वो 9 लीटर का था, जो कि बहुत कम था। अगर आप लॉन्ग राइड पर जा रहे हैं तो कॉन्फिडेंस नहीं होता है। नाउ टैंक इज़ बिगर, 13.7 लीटर का आपको इसके अंदर टैंक मिलने वाला है। तो ये कुछ मेजर चीज़ें थी जो मैं इसके अंदर आपको जो चेंजेस आए हैं, जो चीज़ें पहले वाली थी वो ये आपको एग्जैक्ट मिलेगी। अब आते हैं इसके वॉक अराउंड पे कि आपको दिखने में जो चीज़ें हैं क्या क्या इसके अंदर चेंजेस हुआ है। तो सबसे पहले मैं दिखा देना चाहती हूँ इसका फ्रंट
जो लुक है आप देख सकते हैं इसके अंदर जो फ्रंट है वो कम्प्लीटली चेंज कर दिया गया है. इट इज़ मोर वाइडर और जो पहले जो लुक था RC 200 का वो कहीं हद तक अग्रेसिव था, थोड़ी सी गुस्से वाली बाइक लगती थी. लेकिन ये वाली इन्होंने ज़्यादा इसका जो स्टांस है वो बिगर कर दिया है, प्लस क्लासी और थोड़ी सी सोफिस्टिकेटेड इसको बना दिया गया है. तो अब आपको वो अगर आप अग्रेसिव लुक पसंद करते हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं, आपके अकॉर्डिंग ये वाला लुक ज़्यादा अच्छा है या पुराना वाला. मुझे पर्सनली पुराना वाला ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता था. आप अपने व्यूज़ ज़रूर कमेंट सेक्शन में शेयर करें. अब आते हैं इसकी लाइटिंग्स पर जो कि बहुत ज़रूरी था. प्रोजेक्टर लैंप्स आपको पहले से मिलते थे लेकिन अब आपको इसके अंदर LED सेटअप पूरा मिलने वाला है, LED टेल लैंप्स के साथ में. साइड इंडिकेटर्स जो हैं वो आपको इसके अंदर ही इंटीग्रेटेड मिलते हैं, तो ये आपको अलग से पार्ट नहीं लगेगा, ये इसी का ही पार्ट एक आ गया है. विंड स्क्रीन जो है आपको इस तरीके से थोड़ी सी वाइड मिल जाती है. और सबसे बेस्ट पार्ट जो है इसके अंदर आप देख सकते हैं जो साइड मिरर्स है उसको आप फोल्ड भी कर सकते हैं, जो कि बहुत सेफ्टी के अकॉर्डिंग बहुत सही है. अगर आप कहीं पे बाइक को पार्क करके गए हैं तो ये बहुत सबसे जल्दी डैमेज होते हैं, तो ये बहुत अच्छा एक फीचर है इसके अंदर जो नया इंट्रोड्यूस किया है. अब बात कर लेते हैं सस्पेंशन की. तो सस्पेंशन आपको फ्रंट के अंदर अपसाइड डाउन जो है 43mm ट्रैवल सस्पेंशन के साथ में सस्पेंशन अवेलेबल होंगे, एंड रियर के अंदर आपको मोनोशॉक अवेलेबल होने वाला है. तो ये था इसका पूरा सस्पेंशन सेटअप. ब्रेक्स की बात कर लेते हैं. जो ब्रेक्स है वो आपको डिस्क ब्रेक इसके अंदर मिलेंगे डुअल चैनल ABS के साथ में, जो कि बहुत ज़रूरी है सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से. एंड ये आपको पहले भी मिलता था हालांकि, लेकिन बहुत ज़रूरी है क्योंकि KTM के बारे में बोला जाता है कि स्पीड कंट्रोल करना थोड़ा सा टफ हो जाता है, तो उसके लिए बहुत बहुत रिक्वायरमेंट हो जाती है. आपको ये वाले फीचर मस्ट हो जाते हैं. इसके अंदर आपको जो डिस्क है वो फ्रंट के अंदर 320mm की मिलेंगी एंड रियर के अंदर आपको 230mm की मिलने वाली है. टायर साइज़ है तो टायर के रिम जो है उसे और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया गया है पहले से. एंड टायर आपको इसके अंदर MRF के मिलेंगे, 17 inches के मिलेंगे दोनों फ्रंट एंड रियर. तो ये पूरा आपको सेटअप मिलता है फ्रंट के अंदर. अब बात कर लेते हैं इसकी फेयरिंग्स की. तो फेयरिंग है वो पहले से ज़्यादा वाइडर है. आप इसके अंदर जो कट्स देख सकते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको अच्छी स्पीड और अच्छा पिकअप देने के लिए, तो वो आपको यहाँ पे पूरा मिल जाता है. ज़्यादा एरोडायनेमिक इसको बनाता है. सबसे अच्छी बात है KTM के लिए जो है एक प्रॉब्लम जो बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ती है, हीट जल्दी हो जाती है, हीटेड हो जाती है. तो हीट को ठीक मतलब उस चीज़ से रिकवर करने के लिए या उसको बेटर करने के लिए कि प्रॉब्लम ना हो, यहाँ पर आपको जो है रेडिएटर्स मिल जाएंगे. लिक्विड कूल इसके अंदर आपको इंजन मिलता है, तो यहाँ पे आपको रेडिएटर्स मिलते हैं जो कि हेल्प करते हैं इसको कूल रखने में, तो बहुत ज़रूरी हो जाता है स्पेशली फॉर द KTM. इंजन जो है मैं आपको उसके बारे में ऑलमोस्ट बता चुकी हूँ. यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि आपको जो फुटस्टेप्स है वो यहाँ पे मिल जाएंगे. फुटस्टेप जो पेलिन वाला है उसको आप अंदर की तरफ बंद भी कर सकते हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छा पार्ट है कि आपको ज़रूरत है तब आप इसे निकालिए वरना रिक्वायरमेंट नहीं है. रियर की तरफ आते हैं तो रियर में मैं आपको दिखाना चाहती हूँ जो सिटिंग है वो ज़्यादा ऊपर की तरफ कर दी गई है और पीछे से थोड़ी लंबी आपको लगेगी. अगर आप पुरानी वाली से कंपेयर करेंगे तो ये ज़्यादा लेंथ में लंबी है. सिटिंग जो है प्रॉपर सिटिंग इसके अंदर दे दी गई है फाइनली. तो पहले वाली जो 200 थी उसके अंदर आपको कंफर्ट इतना ज़्यादा नहीं मिल पाता था, क्योंकि अगर आप लॉन्ग राइड पे जा रहे हैं तो बड़ी दिक्कत होती है कि अगर आप कंफर्ट से नहीं बैठे हैं. तो यहाँ पे आप सिटिंग देख सकते हैं, स्पेशली जो है राइडर सीट जो है वो काफ़ी कुशन और अच्छी कर दी गई है, कुशनी और कम्फर्टेबल है. ये सेम विद द पिलियन सीट, वो भी अब थोड़ी पहले से ज़्यादा कम्फर्टेबल है. पीछे आपको ग्रैब रेल्स मिल जाते हैं जो कि बहुत बहुत ज़रूरी है, और ऐसी बाइक्स में तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि मेरे जैसे मजबूत लोग तो उड़ते ही दिखेंगे और ये ही जो है वो सेव करने वाले हैं. पीछे का जो लुक है वो मैं एक बार आपको दिखाना चाहती हूँ. यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको LED लाइट्स मिल जाती है, इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, आपको यहाँ पे रिफ्लेक्टर्स मिल जाएंगे. तो ये पूरा आपको पीछे लुक इसका आने वाला है. अब आते हैं इसके हैंडल बार पे. सिटिंग के साथ में पुरानी वाली के अंदर जो हैंडल बार थे वो भी थोड़े नीचे की तरफ थे, पूरा आपको राइडर की तरह झुक के बैठना पड़ता था. तो थोड़ा सा अगर आप लॉन्ग जर्नी पे प्लान कर रहे हैं तो थोड़ा दिक्कत हो जाती है, आप सोच रहे हैं कि लेके जाएं नहीं लेके जाएं, थोड़ा कन्फ्यूजन रहती थी. अब वो आपकी प्रॉब्लम जो है इसके अंदर कम्प्लीटली वैनिश कर दी गई है. आपके जो हैंडल बार है वो पहले से ज़्यादा कम्फर्टेबल हो गए, आप थोड़ा स्ट्रेट अप होके बैठ सकते हैं.
एंड बहुत माइनर, अगर आपको पहले वाला पसंद था वही वाला पॉस्चर तो आप उसके लिए थोड़ा सा इसको डाउन भी किया जा सकता है, दैट इज़ क्वाइट, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बहुत मिनिमम सा आपको फ़र्क फील होगा, बट हाँ इसके अंदर ऑप्शन है। अब आते हैं जो हैंडल है, ये सारी चीज़ें हैं आपको ये सारे जो फ्रेंड ने बता दिए सब। अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पर कि जो इसकी जो LCD स्क्रीन है वो आपको दे दी गई है, बहुत ज़रूरी है उसके अंदर क्योंकि वी वर एक्सपेक्टिंग LCD स्क्रीन अब ऑलमोस्ट सारी गाड़ियों में आने लगी है, तो बहुत ज़रूरी था इसको चेंज करना, तो वो भी अब आपको यहाँ पर मिलने वाला है, तो मैं आपको एक बार वो दिखा देना चाहती हूँ। ये आपको LCD स्क्रीन यहाँ पर मिल जाती है, इसके अंदर आपको स्पीडो लिमिटर मिल जाता है, फ्यूल की आपको जो है पूरा डिटेल्स आपको इसके अंदर मिल जाता है, टाइम मिल जाता है यहाँ पर, आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन जो कि रेगुलर में ज़रूरी है वो सारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। लेकिन इसके अंदर अभी मोड्स वगैरह का जो है वो नहीं आया है, तो धीरे धीरे जो है वो भी अपडेट होता रहेगा, वो भी इसके अंदर आएगी। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी कि आपको एक स्क्रीन होना बहुत ज़रूरी है, एंड दिस इज़ रियली गुड एंड वाइड स्क्रीन जो एक्सपेक्टेड थी। तो ये कुछ चेंजेस हैं जो आपको यहाँ पर विजिबली देखने मिलेंगे। फ्रंट हैंडल बार में एक बार आपको दिखा देना चाहती हूँ, यहाँ पे आपको जो है हाई बीम लो बीम का ऑप्शन, इंडिकेटर का एंड हॉर्न का मिल जाएगा, एंड यहाँ पे आपको ऑन ऑफ इंजन ऑफ करने का और यहाँ से स्टार्ट करने का ये ऑप्शन यहाँ पर मिलते हैं, तो ये मेजरली चीज़ है। अच्छा, इसके अंदर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी जो है वो भी आपको मिलने वाली है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको प्रॉपर KTM RC 200 न्यू में मिलेगी। लुक दिखा देना चाहती हूँ, आप देख सकते हैं जो मिरर्स हैं वो भी काफ़ी मतलब इस तरीके से हैं कि आपको पीछे से कोई व्यू जो है वो कहीं छूटे ना, इस तरीके से उसको शेप किया गया, दैट इज़ रियली गुड। तो ये था KTM का वॉक अराउंड, आई होप मैंने आपके साथ में सारी डिटेल शेयर की। अगर आपके कोई भी कमेंट्स हैं या इससे रिलेटेड आप कुछ जानना चाहते हैं, अभी भी आपको लगता है कि कुछ आपको इसके बारे में पता करना है, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मुझे जो है फॉलो करना ना भूलें, वहाँ पर मैं ज़्यादा एक्टिव हूँ, तो वहाँ पर आपका रिप्लाई मे भी थोड़ा जल्दी मैं आपको दे पाऊँगी। अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइस की, तो जो प्राइस आपको पड़ेगा वो ऑन रोड आपको 2,39,000 का पड़ेगा। आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पर आपको सारी डिटेल जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, शोरूम की डिटेल विद फ़ोन नंबर, एंड ये जो शोरूम है ये है आपको KTM रामबाग पर आपको अवेलेबल हो जाएगी। एंड प्लीज़ आप जो है राइड इसकी ज़रूर लें, राइड से थोड़ा सा एक्सपीरियंस ज़्यादा पता चलता है, क्योंकि वॉट वी आर सीइंग ना उससे ज़्यादा जब वॉट यू आर फीलिंग वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप जब उसे राइड करेंगे तो आपको पता चलेगा एक्चुअल कैपेबिलिटी इसका जो वेट है वो कम करने से या स्पीड में जो फ़र्क आया है वो कैसा है और बैलेंसिंग कैसी, वो आपको तब पता चलेगा। एंड हाँ, राइड से याद आया कि मैं आपके साथ बहुत जल्दी जो है अपने राइड रिव्यूज़ भी शेयर करने वाली हूँ। आप लोगों ने इतना फोर्स कर करके मुझे राइडिंग वापस से स्टार्ट करवा दिया ना, आई स्टार्टेड माई राइडिंग अगेन, बहुत जल्दी आपके साथ में मोटो व्लॉग्स भी मैं शेयर करूँगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, माई वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर योर लव।